तो सो रहा है कि जो मेरा स्कूल देर से हम पहुंचते थे सो अब जल्दी पहुंचेंगे, और पढ़ाई जो मेरा छूट जाता था देर के कारण वो अब नहीं छूटेगा। आप क्या बनना चाहेंगे पढ़ करके? डॉक्टर। आपको कैसा लग रहा है साइकिल मिला तो? अच्छा। तो आप बड़ा होकर क्या पढ़ के क्या बनना चाहेंगे? इंजीनियर। इंजीनियर पढ़ के क्या बनना चाहेंगे? प्रत्येक दिन स्कूल जाए, आपका जीवन का यही पूंजी है, शिक्षा ही है। प्रत्येक दिन आप स्कूल जाए, यही कम से कम 100 से 150 साइकिल प्रत्येक दिन बैठेंगे। और 27-24 में जितने भी बच्चे यहाँ पे पाठन किए हैं वो वर्तमान में 9th क्लास में बच्चे चले गए हैं, सभी बच्चों को SC ST OBC माइनॉरिटी को कल्याण विभाग की ओर से साइकिल दिए जाएंगे। स्कूल जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समय से अपना जाए। की झारखण्ड सरकार के द्वारा लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हम बेहतर कर सके बच्चे जब हाई स्कूल में जाए। मैं चंद्रकांत श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं PNN न्यूज़ इंडिया, राज धनबाद प्रखंड में। और आज झारखंड सरकार कल्याण विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया जा रहा है। आइए हम इस मुद्दे को लेकर हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे प्रमुख साहब गौतम सिंह जी से। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आज जो साइकिल वितरण है उनके लिए बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए शुभकामनाएं हैं। देखिए, सरकार की मंशा रहती है कि बच्चे जब हाई स्कूल में जाएं, तो हाई स्कूल तो हर गांव में है नहीं, तो दूर दराज की सुविधा दूरी को तय करने के लिए सुविधाएं दी जाती है। और बच्चों को शुभकामनाएं हैं कि आप साइकिल के माध्यम से हाई स्कूल जाएं, अच्छे से पढ़ाई करें और माता पिता का नाम रोशन करें। सर आप बताइए, आज बच्चों के बीच साइकिल वितरण आज उपस्थित है, और बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके भविष्य के लिए? आज झारखंड सरकार कल्याण विभाग के द्वारा धनवार प्रखंड के क्लास 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकार साइकिल उपलब्ध कराई है, आज यहाँ वितरण हो रहा है। मैं कह सकता हूँ कि झारखंड सरकार के द्वारा लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हम बेहतर कर सके, लगातार सरकार प्रयास कर रही है। और हाई स्कूल में जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ रही है, वो हाई स्कूल हर जगह उपलब्ध नहीं है, थोड़ा दूरी पड़ता है, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पेरेंट पड़ता है। इसके लिए कैसे बच्चे बच्चियों को स्कूल जाने में सुविधा हो, इसके लिए सरकार आज साइकिल मुहैया कराई है, आज हम लोग वितरण कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि आज जो बच्चों को साइकिल मिल रहा है, बच्चे बहुत खुश हैं, आगे बेहतर पढ़ाई करें, आने जाने में इन लोगों को सहूलियत हो। इसी बच्चों को अभी हम लोग बात किए हैं, बच्चे लोग भी खुश हैं इसमें, और बच्चे लोग अगर आगे बेहतर पढ़ाई लिखाई करें, आने जाने में इन लोगों को कहीं कोई कठिनाई नहीं है, इसको देखते हुए आज सरकार साइकिल वितरण की है। इसके लिए मैं सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। विधायक प्रतिनिधि जी से भी हम बात करते हैं कि आखिर बच्चों के बीच आज उपस्थित हैं तो क्या खुशी जाहिर कर रहे हैं? सर आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। आप बच्चों के बीच आज उपस्थित हैं, साइकिल वितरण किए हैं, तो कैसा महसूस हो आज? बच्चे पढ़ पाएंगे, जा पाएंगे, क्या लगता है आपको? मैं बच्चे को यही शुभकामना देना चाहूंगा कि प्रत्येक दिन स्कूल जाए, आपका जीवन का यही पूंजी है, शिक्षा ही है। प्रत्येक दिन आप स्कूल जाएं, यही शुभकामना है। इसके बारे में कहेंगे सर, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। जी। आज बच्चों के भी साइकिल वितरण हुआ है, बच्चे का भी खुश है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। बच्चे लोग पहले बोलते थे कि जाने आने में दूरी है, स्कूल कठिनाई होती है, अब सरकार इस तरह से व्यवस्था कर दी है, अब बच्चों को स्कूल जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समय से अपना जाएंगे। प्रतिदिन हम कहते हैं बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाएं और अब जो भी शिक्षा उसे हासिल करें और अपना नाम कमाएं। धन्यवाद। आइए अब हम बात करते हैं, हमारे बीच है BPS सर दिलीप जी, आइए इनसे हम बात करते हैं कि बच्चों के लिए अब सर आज आपके बीच साइकिल वितरण हुआ है कल्याण विभाग के माध्यम से, तो बच्चे खुश हैं, आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद PNN News को। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त रूप से प्रयास से आज इसका शुभारंभ किया गया है, क्योंकि साइकिल अब कसना शुरू हो गया हमारे यहाँ। 2766 साइकिल पूरे प्रखंड में बटने हैं अलॉटमेंट के आधार पर, और अब प्रत्येक दिन यहाँ से कोई ना कोई स्कूल कम से कम 100 से 150 साइकिल प्रत्येक दिन बैठेंगे। और 27-24 में जितने भी बच्चे यहाँ पे पाठन किए हैं वो वर्तमान में 9th क्लास में बच्चे चले गए हैं, सभी बच्चों को SC ST OBC माइनॉरिटी को कल्याण विभाग की ओर से साइकिल दिए जाएंगे। और जो जिले के बच्चे बच गए हैं उनको जिला सफाई अधिकारी के माध्यम से साइकिल उपलब्ध होगा, लेकिन साइकिल इस बार सबको मिलना है, और हम आशा करते हैं कि जिस उद्देश्य से साइकिल बच्चों को दिया गया है बच्चे उस उद्देश्य को पूरा करेंगे, बच्चे प्रतिदिन स्कूल आएंगे और साइकिल का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। आइए हम कुछ बच्चों से जानते हैं आखिर यह साइकिल मिलने के बाद क्या हौसला उनके बीच है। सबसे पहले आप बताइए, साइकिल मिला कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है। क्या बोलना चाहेंगे आप? मतलब कुछ आपके लिए साइकिल मिला है ताकि पढ़ पाए, दूरी तय करने में परेशान नहीं हो, तो आपको क्या लगता है क्या बोलना चाहेंगे पढ़ करके आप? मतलब डॉक्टर मिला, डॉक्टर बनना चाहेंगे, खुशी है, डॉक्टर बनना है, पढ़ाई करना है। आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे, आपको कैसा लग रहा है साइकिल मिला तो? अच्छा। तो आप बड़ा होकर क्या पढ़ के क्या बनना चाहेंगे? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहेंगे।
जुनून है सभी में, पढ़ने का जज्बा भी है। आप क्या करना चाहेंगे पढ़ करके? डॉक्टर हो गया क्योंकि आसान हो जाएंगे चलने में। यस सर। तो हमेशा स्कूल जाएंगे आप? यस सर। पढ़ाई करेंगे? यस सर। और भी लोग हैं, कुछ लोगों से और भी हम जानने का प्रयास करते हैं, बाकी हमारे कुछ साथी और हैं। आप पढ़ के क्या बनना चाहेंगे? आईएएस। आईएएस बनना चाहते हैं। आपको क्या कैसा महसूस हो रहा है, साइकिल मिला है आपको? आप अच्छा महसूस हो रहा है कि जो मेरा स्कूल देर से हम पहुंचते थे सो अब जल्दी पहुंचेंगे, और पढ़ाई जो मेरा छूट जाता था देर के कारण वो अब नहीं छूटेगा। और घर का, अपना घर परिवार का नाम रोशन करने के लिए आप क्या मतलब पढ़ाई में हमेशा ध्यान देंगे? हाँ बिल्कुल। कुछ लोग हैं आज हमारे साथ, एक और है छात्र, आप बताइए आपको साइकिल मिला कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब हमेशा स्कूल जाएंगे? हाँ। क्या साइकिल में था उसको पहले स्कूल छोड़ते थे क्या कभी? नहीं। उसमें भी आप जाते थे? साइकिल मिल गया तब और भी नहीं छोड़ना है? नहीं। हमारे बीच काफी लोग हैं और सभी लोग के अंदर उत्साह है क्योंकि सभी लोगों को साइकिल मिला हुआ है। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पेरेंट्स इंडिया। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले खबर के साथ।